बातें वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक तो ये कि जब ये सरकार बनी थी तो उन्होंने वादा किया था कि जो डॉलर के मुकाबले रुपए का जो अवमूल्यन वो रुकेगा, और रुपया जो है यहाँ तक कि चुनाव में तो वादे किए गए थे कि 40 रुपए तक डॉलर के मुकाबले रुपया आ जाएगा, लेकिन आज बढ़ता चला जा रहा, 63 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। तो मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूँ कि रुपए का अवमूल्यन क्यों जारी है, क्यों जो है ये डिवेल्युएशन हो रहा है और वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो एक तो इसका जवाब दें, उसकी वजह से जो है तमाम चीज़ों में फ़र्क पड़ता है और हमें जो है तमाम चीज़ें महंगी मिलती हैं। दूसरी चीज़ ये कि उस दिन पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से सवाल पूछा गया तो वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए थे। जिस तरह से तेल की कीमतें गिर रही हैं, आज इंडियन बास्केट जो है $57 पर पहुँच चुकी है ब्रेंट क्रूड में, तो उसमें उस हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 45 रुपये लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए और 39 रुपये लीटर डीजल मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार जो है 60 रुपए के ऊपर पेट्रोल चार्ज कर रही है और 50 रुपए के ऊपर डीजल का चार्ज है। उससे जनता में त्राय त्राय मची हुई है। इन दोनों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से चाहता हूँ।